सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिपु दमन सिंह, एन आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट। और इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल ऑनेस्ट आईआईटी जेई की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं, बट उसमें कभी भी मैंने अपनी डिटेल में कभी भी कंप्लीट स्टोरी नहीं बताई। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मेरी 11th वेस्ट हुई और आधी 12th वेस्ट हो गई, और फिर मैंने क्या स्टेप्स उठाए जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए और फाइनली मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ A to Z। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख तो मिलेगी और कुछ एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूं कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी थी अपने ड्रॉप ईयर में। A to Z पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। शुरू करते हैं 10th से। तो भाई साहब, ऑब्वियसली मैं जो था 10th बोर्ड में, तो मेरा ICSE बोर्ड था, तो मैं 9th क्लास तक मैं कुछ ऐसा बंदा नहीं था कि आप सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे टॉपर टाइप का बैठा हुआ हूँ आपके सामने, क्योंकि YouTube पे बहुत लोग होते हैं ऑलरेडी टॉपर होते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने इतने दिन में JEE क्रैक कराई। ऑनेस्ट स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने कुछ एक दो महीने में JEE नहीं करा, मुझे एक साल लग गया। और मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने सब कुछ कवर करा, 2 साल का सिलेबस एक साल में, ये बताएंगे। और मैं बताता हूँ जब मैं 10th में था, और उससे पहले का मैं बता देता हूँ अपना पास का। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट था, मेरे 70-75% ही आया करते थे ICSE बोर्ड में था, तो 9th तक तो मेरा ऐसा था। और 10th में हाँ, मैंने थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर ली थी और बोर्ड्स मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। तो मेरा जब बोर्ड ख़त्म हुआ था 10th का, तो मेरे अराउंड 92.6% बन गए थे बोर्ड्स में, ICSE बोर्ड में। और ये आपको पता होगा, आपने लोगों ने भी बोर्ड दे के आए होंगे, और अगर नहीं दिया तो आपको पता चल जाएगा। बोर्ड्स आर क्वाइट ईजी, और मुझे हार्डली ऐसा लगता है कि बोर्ड्स के लिए पढ़ना टफ है, ईजी और नॉर्मल एग्जाम से ज़्यादा ईजी होता है बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। उसमें खूब नंबर बांटे जाते हैं, भर भर के बांटे जाते हैं। तो भाई साहब, जैसे ही बोर्ड ख़त्म हो जाता है, अपन पे दो चॉइसेस रहती हैं, या तो आप साइंस लो या कॉमर्स। अब भाई साहब, कॉमर्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था उस समय, तो मैंने कहा भाई साहब अपन बनेंगे इंजीनियर भाई, इंजीनियर सुन के ही फील आ रहा था। 3 इडियट्स की तरह जाएंगे भाई साहब, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचाएंगे। 3 इडियट्स से मोटिवेट होकर हमने भी चूज़ कर ली थी भाई साहब इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग जब आप चूज़ कर लेते हैं, यानी साइंस ऑब्वियसली, इंजीनियरिंग नहीं साइंस। अब उसमें मेरे पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं बायोलॉजी चूज़ करूँ या फिर मैं मैथ्स चूज़ करूँ। देखो बायोलॉजी का ऐसा, या तो आप डॉक्टर बनोगे, और मेरे पेरेंट्स का मानना ये है कि डॉक्टर थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है कोर्स, बहुत सालों तक पढ़ाई, 10-8 साल तक कोर्स ही कम्प्लीट कर रहे होते हैं, तब जाके एक क्लिनिक या फिर कहीं पे होता है। मैं एम्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, ना नीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल बता रहा था, ठीक है। तो ये सिचुएशन, तो मैंने कहा बायोलॉजी वैसे मेरी अच्छी थी, पर फिर भी मेरे को लगा कि नहीं यार, डॉक्टर वाला नहीं हो जाएगा, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे से ऑपरेशन वगैरह ना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा इसे साइड करते हैं, अब बचा अपने पे मैथ्स। मैथ्स मुझे ठीक लगता था 10th तक, और फिर मैं आता हूँ 11th में। तो 11th में मेरे पे दो चॉइस थी, या तो मैं स्कूल करूँ नॉर्मल, या फिर मैं डबिंग करूँ विद कोचिंग। तो मेरा ऐसा था, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहा उस स्टेट में, और मेरे पेरेंट्स का मानना था कि मेरे को डमी नहीं करना चाहिए, मेरे को स्कूलिंग करनी चाहिए प्रॉपर, जिससे मेरे बोर्ड्स के मार्क्स ख़राब ना हो और मुझे स्कूल का भी एक्सपोजर मिले, और कोचिंग तो अपना साइड बाय साइड चलता रहेगा। बट ये डिसीज़न बहुत ही गलत था, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास चॉइस है कि आप डमी लेना चाहते हैं और विद डमी और नॉर्मल स्कूलिंग के बीच, तो भाई साहब डमी चुपचाप से उठा लीजिए, क्योंकि स्कूलिंग कचरा है, कुछ नहीं है। और ये मेरे को रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसा लिया था कि मैंने स्कूलिंग भी कर ली थी और एक लोकल कोचिंग में अपने सिटी में आगरा में एडमिशन ले लिया था। अब मेरी हालत टाइट होनी शुरू हो गई, मैं स्कूल जाता था सुबह, उसके बाद शाम 1 घंटे के गैप पे मेरी कोचिंग होती थी, शाम को थका के मैं 8 बजे तक आता था, हवा टाइट हो जाती थी, ना कोचिंग का होमवर्क हो पा रहा था, ना स्कूल का होमवर्क हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर ही प्रेशर था, मैं आई डोंट नो, मेरे से झेला नहीं आ रहा था। और कोचिंग में चैप्टर निकलते जा रहे थे, कोचिंग का होमवर्क नहीं हो पा रहा था, और जो स्कूल में होमवर्क मिल रहा था वो भी नहीं हो रहा था। तो A to Z में बिल्कुल फंस चुका था, बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। सिर्फ मेरे पे एक कंडीशन थी, या तो मैं भाई साहब रात को उठ के 2-2 बजे तक अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके करूँ, बट मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को बुद्धि में आई, मैंने पापा से बोला, अपने मम्मी से बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे, डमी की देखते हैं। तो फिर मैंने अपने स्कूल से एडमिशन हटवाया और डमी स्कूल में ट्रांसफ़र करा लिया। तो चलो एक चीज़ तो मैंने कर ली थी, अब बात आ चुकी थी कोचिंग पे, सिंस मैं एक लोकल कोचिंग में था। और देखो मैंने एक नया बैच स्टार्ट करा फिर से, क्योंकि जो
स्कूल गोइंग वालों का बैच होता है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल ही नॉर्मल वालों से, समझ रहे हो? वो क्योंकि शाम को चलता है और जो डमी वाले होते हैं उनका सुबह चलता है। तो अब क्या हुआ था कि भाई साहब अब सुबह वाला एक ही बैच बचा था जिसमें मुझे एडमिशन करा दिया गया। बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो बैच पीछे चल रहा था, लैगिंग वाला बैच था, लैग कर रहा था बैच बहुत पीछे। तो और उसमें जो बच्चे थे ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो कोचिंगों में ऐसा होता है, कोचिंगों की रियलिटी है कि जो लोअर बैचेस होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, और वो जो बैच था जो मेरा वाला बन गया था वो लोअर बैच बन चुका था। तो उसमें टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे ऑनेस्टली, तो और हम भी मजे में चल रहे थे और मोबाइल की तो दुनिया थी, हम पे मोबाइल था ही, तो भाई डिस्ट्रैक्शन की पूरी दुनिया हमारे सामने आ चुकी थी। हम हो चुके थे फुली डिस्ट्रैक्टेड, गेमिंग की दुनिया में हम डूब चुके थे, कोचिंग में भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, कुछ नहीं, हवा में चल रही थी कोचिंग, और इसी तरह मेरे को पता भी नहीं चला और मेरी पूरी 11th जा चुकी थी बिल्कुल एकदम गायब फटा, मुझे हवा भी नहीं लगी। ऐसा था कि एक दिन पहले मैं स्टार्ट हुआ, अगले दिन गायब, बिल्कुल आदेश ही नहीं, कुछ नहीं पता चला, एकदम गायब। तो 11th उड़ गई, पता नहीं चला, डर भी नहीं लग रहा था पता नहीं क्यों 11th में। और मैदाबाद में डमी स्कूल में ऐसा था कि 11th में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और मैं एग्ज़ाम देने गया और मुझे लिटरली मुझसे नॉर्मल स्कूल लेवल के सवाल तो हो ही नहीं रहते, जेई की तो दूर की बात छोड़ दो, इतनी हालत ख़राब थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं डमी स्कूल वाले एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, और मेरे हिसाब से मेरे 55-60% से ज़्यादा नहीं आए होंगे, और ये भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद डमी में सबको पास कर देते हैं। तो ये था 11th मेरा, इस तरह से बीता। अब आधा 12th भी बीत चुका था, तब मेरी आंखें खुलती हैं जब मेरे को पता चला कि जेई मेंस आ गया, जेई एडवांस आ गया, फॉर्म भरने का समय आ चुका है, और मजेदार चीज बोर्ड भी आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ना तो मेरी तैयारी बोर्ड लेवल की थी, ना तो मेरी तैयारी जेई एडवांस लेवल की थी। एडवांस तो दूर दूर तक छोड़ दो भाई, UPTU ही निकल जाता वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और ना ही मेरी तैयारी बिट्स लायक थी, किसी लायक नहीं थी, इतना था कि मैं चौपट हो चुका हूँ। अब भाई साहब मेरी आंखें खुलती हैं, जब आदमी की आंखें खुलती हैं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, रोता है, मैं रोया, खूब रोया, घर वालों ने कहा कि बेटा आप रोने का क्या फ़ायदा, पहले रोना था, घर वालों की बात बिल्कुल सही है, या तो तुम पहले तुम्हें होश आ जाते। तो देखो भाई जब तक आदमी धक्के नहीं खाता ना उसे होश नहीं आता, तो फाइनली अपन को भी होश आ चुका था। अब लेकिन समय बचा था कम, लगभग 4-5 महीने बचे थे जेई मेंस को, और उसमें बोर्ड्स भी बीच में था, और फिर एडवांस को 1-2 महीना एक्स्ट्रा लगा लो तो उतना ही टाइम बचा था। अब ऐसा तो कुछ चमत्कार होने वाला नहीं था मेरी ज़िंदगी में कि मैंने एकदम से अपना टाइम टेबल मतलब बदल लिया, मैं 16-16 घंटे पढ़ने लग गया और मेरा एकदम से मेरी IIT मैंने गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सब मतलब मिथ है। और मैं एक बात बताऊँ, हार्डली किसी 1-2 के साथ हो जाता होगा, या फिर लक होगा, लक बहुत मैटर करता है IIT में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट मैं एक आम आदमी था एवरेज, मेरे से इतने टाइम में 2 साल का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होना था, मुझे पता था कि IIT में नहीं होगा, ठीक है, तो इतना मेरे को पता चल चुका था। तो अब बात थी कि इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने का। अब पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैं 12th में बोर्ड ही चौपट हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कोचिंग मैंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि कोचिंग में भाई ऐसे चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे जो जिनका मेरे को बेसिक ऑलरेडी क्लियर ही नहीं था, तो मेरे को क्या समझ में आता, मैं टाइम वेस्ट होता कोचिंग जाके, ट्रैवलिंग का डिस्टेंस मतलब दूर भी थी कोचिंग 3-4 किलोमीटर ट्रैवल का, फिर वो आके थक जाते हैं, तो मैंने कहा कोचिंग जाना बंद करो। मैंने क्या करा कि थोड़ा बोर्ड की तरफ फोकस करने लगा। देखो बोर्ड ऐसा है कि 2 महीने अगर आप शिद्दत से पढ़ो और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो बोर्ड आपका आराम से निकल जाएगा, 90% तो हलवे की तरह आ जाएंगे, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं। तो मेरा ये था एटलीस्ट इज्जत बनाने के लिए कम से कम बोर्ड्स तो कर ही लो, पर मैंने ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं जी मेंस और एडवांस को बिल्कुल तरह से भूल गया था, नहीं, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरे को किस तरह से करना चाहिए। तो भाई साहब मैंने ऑनलाइन 1-2 वीडियो चैप्टर देख लिए थे, उस तब मैं ये फिजिक्स वल्ला ये सब नहीं चलते थे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जब मैं जी के टाइम था तो ये सब कच्चा कबाड़ा नहीं था, जो भी ठीक है कच्चा कबाड़ तो नहीं, अच्छा होगा मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, अच्छा हो सकता है बुरा भी हो सकता है, सॉरी समा करी कच्चा कबाड़ बोल दिए, लेकिन मेरे को नहीं पता वो कैसा है, मैं अपने हिसाब से था। अपन देसी तरीके से जाएंगे जिस तरह से सिलेक्शन होता है, हमें वही पता है कि कोचिंग किताब वाला कोचिंग और किताब वाला ये हमें आता है कैसेस, मतलब इसी तरह से मैं पढ़ाऊँ, और मेरे हिसाब से ये बेटर है क्योंकि फ़ोन जब हाथ में होता है तो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही होता है। अब बारी आती है कि मैंने प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें चेंजेस करे, तो भाई साहब मैंने ऐसा भी नहीं कि मैं 16 घंटे पढ़ने लगा, थोड़ा मैंने 5-6 घंटे से स्टार्ट करा दिन में,
और बाकी टाइम मैं रिलैक्स ही करता था। और ऐसा था कि मेरे हेल्थ इशू हुए थे, मेरे को अस्थमेटिक इशू हो गया था, मेरे को थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस समय, तो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने आपको कल वाली वीडियो, जब मैंने एक टाइम टेबल बनाया था ना, टाइम टेबल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि देखो अगर आपकी हेल्थ जाएगी ना तो समय पानी की तरह बह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी हेल्थ को अच्छे से ध्यान रखिए, खाना पीना खाइए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, विटामिन्स लीजिए और बाहर टहलने जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करिए, नहीं कि पूरे दिन के ताबी कीड़े बने पड़े हो, हालत ख़राब हो जाएगी। शरीर है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ चुका था, पर बहुत देर में समझ आया, तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत टाइट रही थी और मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एवरेज बोला, मैंने 5-6 घंटे पढ़ता था, ये भी शायद ज़्यादा बोल दिया, जब मेरी तबीयत खराब थी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता था, बेड में पढ़ा रहता था। और ये मेरे को 12th में ही हुआ था इशू और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या करा, बहुत ज़्यादा कम समय बच गया था, 3-4 महीने ही रह गए थे फिर एग्ज़ाम को, मैंने फॉर्म वॉर्म तो सबका भर दिया था, जे मेन्स का भरा था, बिट्स का भरा था, UPTU, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो सस्ता मेंस कह सकते हो अब, जो सिर्फ स्टेट वाइज होता है, ठीक है, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, वो भर दिया था और बिट्स का भर दिया था, तो ये कॉलेजेस का मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया। और मैंने कुछ नहीं भरा, मेरे को VIT नहीं जाना था, मेरा था कि इसी में देखते हैं, नहीं होगा तो ड्रॉप लेंगे, ठीक है। और अब फिर मैंने क्या करा कि मेरे बहुत सारे चैप्टर वीक रहे थे, फिजिक्स में तो मेरे को आधी 12th आती नहीं थी, और भाई साहब क्या बोलूँ, मैथ में भी यही हाल था, केमिस्ट्री बस, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती थी क्योंकि मेरे जो नानू जी थे वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, तो वो मेरे को केमिस्ट्री अच्छा थे रगड़ के पढ़ा देते थे, तो जब भी सैटरडे संडे मिलता था तो मैं उनके घर चला जाता था नानी के यहाँ, और तो वो मेरे को पढ़ा देते थे थोड़ा बहुत, और खुद मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ लेता, तो मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था स्टार्ट से ही, तो वो मेरा थोड़ा बहुत ठीक था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्कोर इनकी भाई साहब केमिस्ट्री अब फोड़ दूंगा, ऐसा भी ठीक ठाक आता था और कह सकते हो मेंस लेवल तक का बेटर हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं लिया, मैं कहा केमिस्ट्री का लोकल ट्यूशन कोचिंग जो बोर्ड्स की होती वो नहीं ली, मैंने फिजिक्स की लगाई क्योंकि मेरे कंसेप्ट बहुत पीछे छूट चुके थे, तो मुझे एटलीस्ट बोर्ड्स की कोचिंग तो लगानी थी, कम से कम बोर्ड्स में तो नंबर आए, घर वालों का मुँह दिखाऊंगा भाई, जिसके 92% आए 10th में एकदम ही कबाड़ हो गया, 70% पे अटक गया, नहीं तो एटलीस्ट कहीं से तो इज्जत मचानी थी, तो यही मैंने करा। तो मैंने बोर्ड्स की कोचिंग लगाई और मैंने मैथ की कोचिंग लगा ली थी, तो मेरे जो नेबर थे दिव्यांश गुप्ता था, तो उसने मेरे को बता दिया था, ठीक है, तो उसके साथ मैं कोचिंग चला जाया करता था मैथ में। फिर मेरे को पता चला कि मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरे से जल्दी सवाल हो जाते, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंटेलिजेंट, बल्कि ऐसा नहीं था, वो लगता ही है, बोर्ड वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है, और बोर्ड को ज़्यादा खास नहीं होता, तो यही सिचुएशन चल रही थी, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो मैंने इस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करा धीरे धीरे, मैथ में मुझे बेसिक NCERT लेवल हो चुका था मेरा, और फिजिक्स भी NCERT लेवल हो चुका था, और मैंने NCERT पढ़नी शुरू कर दी थी। और हाँ, मैं एक चीज़ और करता था, मैं जब भी घर पे आता था तो मैं HCR में लेता था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई कर लेता था, भले ही मेरे से होते नहीं थे, मैं सोल्यूशन देख लेता था, और भी मेरे पे बुक्स पढ़ी थी, ऐसे DC पांडे वगैरह पढ़ी थी, और सॉल्ट 38 ईयर्स जो पुराने वाले होते हैं वो भी मेरे पे पढ़े थे, DC पांडे के मैं जो ईजी वाले होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, या फिर जो भी ईजी क्वेश्चन होते हैं लेवल 1 लेवल स्टार्ट वाले, वो वाले कर लिया करता था, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही होती थी, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मैंने JEE मेंस की तैयारी इस तरह से कर ली, तो इतना मैंने प्रिपेयर कर लिया था। अब आते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट भी रहता है बोर्ड में, फिजिकल एजुकेशन, जो मैंने भगवान के नाम पर कभी नहीं पढ़ा था। मैं गया बुक स्टोर पर बुक लेने, और बुक लेने में पता है तब गया था जब मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम 5 दिन बाद था, तो मैं बुक लेने गया, तो बुक स्टोर वाला बोलता है कि भैया अभी तो बुक नया सेशन वाले, मतलब जो नया एडिशन है वो नहीं आया। मैंने कहा भाई अभी मेरे को, मेरा 5 दिन में एग्ज़ाम है, तू अभी नए जो भी एडिशन है वो दे मेरे को, तो वो भी हंस रहा था कि भाई साहब क्या आदमी है, 5 दिन में एग्ज़ाम है अब बुक लेने आया, ठीक है, तो ये हालत थी। बट मैं मतलब फिजिकल एजुकेशन का जरा उस पर ध्यान मत दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, और बस एक बार रीड मार लो हो जाता है, और इस तरह से मेरा बोर्ड हो गया था, ठीक है। तो बोर्ड्स मैंने दे दिया था, और बोर्ड्स में मैंने 1 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी लास्ट में, और बाकी कोचिंग, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करा, बोर्ड्स तो इसी में हो गया था, और बोर्ड्स का रिजल्ट भी अच्छा आ गया था, 92.8% बन गए थे, क्योंकि मेरे कहा था बोर्ड ईजी होता है भाई, बोर्ड हो जाता है। अब आ जाती है, मेरा मेन्स आ गया था, मेन्स की तैयारी मेरे को पता थी मेरी अप टू द लेवल नहीं थी,
तो मेरे पे रेजोनेंस का कोचिंग मटेरियल था, एक भैया से ले लिया था मैंने, जिनका आईटी में हो गया था, आईटी रुड़की में, उनसे ले लिया था मैंने सारा मटेरियल। तो मटेरियल लेने के बाद मैंने उसके बेसिक लेवल वन के क्वेश्चन कर लिए थे, डीसी पांडे के लेवल वन का कर लिया था, एस सी वर्मा के बेसिक। बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, मैं बिल्कुल छोड़ दिया। भाई तुम पता है उंगली मत करा करो, अगर चैप्टर नहीं आता तो छोड़ दो, उसका क्वेश्चन करना ही नहीं, वो नेगेटिव मार्किंग देगा, आपकी रैंक बेकार करेगा, छोड़ दिया। और मैं जेई मेंस 2017 जो भी था, पता नहीं कौन सा था, हाँ जेई मेंस देने गया और देखे आ गया। तो भाई साहब मुझे पता कि मेरा पेपर बेकार है, ठीक है, पर मैं क्वेश्चन लगा के आ गया, जो जितना जितना हो रहा था करके आ गया। अब मैं घर आता हूँ, घर पे हिसाब लगाता हूँ कि मेरे कितने कैलकुलेशन, कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरे बन रहे थे 360 में से 128 मार्क्स एग्जैक्ट, और बोनस वोनस इंक्लूड करके जो भी होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं उस समय बोनस था कि नहीं, तो इतने मार्क्स मेरे आ चुके थे। और मुझे पता था ये कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं, कितनी रैंक बन जाएगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं जो भी रैंक होगी आएगी। रिजल्ट आता है, मेरी रैंक बन जाती है लगभग 40,000 के अप्रॉक्स, और अभी अगर आपका परसेंटाइल के सिस्टम के हिसाब से बताऊं तो मेरी लगभग 95.5 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल बन रही थी उस समय के हिसाब से, ठीक है, तो 95.5। और मेरी प्रिपरेशन कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, मैं खुद ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आधे से ज़्यादा चैप्टर छूटे हुए थे, मैंने बस वो लॉजिकल रीजनिंग वाले जो होते हैं वो सब कर लिए थे, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह जिससे स्टैटिस्टिक्स वगैरह जिससे मेंस में आ जाते हैं वो लास्ट मोमेंट पे कर लिए थे, ठीक है। तो ये था, तो मेरे 95.5 मार्क्स आ चुके थे, मतलब परसेंटाइल। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब एडवांस भी दे देते हैं, एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए थे, और फिर मैं एडवांस भी देने गया, एडवांस भी दे दिया। एडवांस का रिजल्ट आता है, मेरे आते हैं 366 में से 110 मार्क्स, और रिजल्ट में लिखा रहता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि मेरे को लग रहा था, पर ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है मेरी 11 ट्वेल्थ वाली कहानी। और भाई बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि यार मैंने 2 साल बहुत बर्बाद कर दिए, कोचिंग जो लोकल कोचिंग थी उसने फीस तो पूरी ले ली थी 2 साल की, भले ही मैं गया नहीं, तो 2 साल की फीस भी वेस्ट, एकदम चौपट हो चुका था सब कुछ, पूरा बर्बाद, पूरा एकदम बर्बाद वाला फील आ रहा था, डिप्रेशन, रोना आ रहा था, रो लिए, घर वाले देख रहे थे कि बेटा रोना धोना बंद करो, और पापा ने बोला कि अगले साल अगर तुम चाहो तो कर लो, नहीं तो कहीं लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो मैंने कहा नहीं, करके देखेंगे। तो अब तब लगा कि अंदर से चिंगारी चमकी, आग निकली कि भाई साहब अब इस साल तो बेटा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर वालों ने इतना मतलब मेरे लिए डिवोट करा, मतलब ऐसा था कि शादी पार्टी में सब लोग घूमने जाते थे, बाहर घूमने जाते, हम घर पर ही रहते थे, मेरे पेरेंट्स भी नहीं जाते थे, कि ऐसा नहीं कि मैं घर पर अकेला हूँ, पेरेंट्स चले जाते थे, तो उन्होंने भी सेक्रीफाइस करा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे चक्कर में उनका भी टाइम वेस्ट हुआ, उनका पैसा भी वेस्ट हुआ, तो मुझे काफ़ी यार गिल्टी फील हुआ, रोया बोया मैं, ठीक है। बट उसके बाद फिर मैं समय आ चुका था कि भाई साहब अब समय आ चुका है सीरियस हो जाने का, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब 1 साल है, 1 अटैम्प्ट अभी भी अपन पे बचा है, और IIT एक सपना तो था ही, तो उसके लिए मेहनत करनी है। तो फिर मैंने क्या करा, अपने ही हाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, और ऐसा रहता कि जब JEE ड्रॉपर वाला जो बैच होता है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, कि उन्हें ड्रॉपर्स को पता है कि भाई साहब हो चुका कांड, अब तो आ जाओ तुम, शुरू हो जाओ। तो एडवांस के कुछ ही 1-2 हफ्ते में शुरू हो गया था कोचिंग, और मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, तुरंत एनरोल कर दिया, पापा से कहा कि मैं ये वाली कोचिंग करूँगा, और मैं एनरोल हो जाता हूँ कोचिंग में डायरेक्टली, और शुरू हो गया। इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, और मेरे को पता था मेरी वीकनेस क्या है, मुझे बहुत सारे चैप्टर आते नहीं थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, भाई साहब हवा में ही चल रहा था मेरा, RBD तो बिल्कुल ही नहीं आता था, बहुत सारे चैप्टर ऐसे ही मतलब ख़राब सिचुएशन में पड़े थे। तो इस बार मैंने सीरियसनेस दिखाई, अब मेरे पे 1 साल था, वैसे तो कहेंगे कि लोग क्या 1 साल इनफ है, तो मेरे हिसाब से 1 साल इज़ क्वाइट इनफ फॉर IIT JEE, अगर आप क्रैक करना चाहते हो, अगर आपका बेसिक आइडिया है वैसे, ठीक है 1 साल इज़ क्वाइट इनफ, बट ड्रॉपर बैच में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और आप देखोगे तो इस बार जो भी JEE वगैरह देते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपर रहते हैं, पर ड्रॉपर का ये रहता है कि उसमें परसेंटेज जो जिनका IIT में होता है वो कंपेरेटिवली कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जो 11 ट्वेल्थ वाला बैच, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीरियस होते हैं उनका पहले ही हो जाता है, जो नॉन सीरियस हो को बाद में अकल आती हुआ जाता है।